हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूरोप सीरीज ब्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ डिजलडॉर्फ से बेल्जियम, और बेल्जियम में जा रहा हूँ मैं एंटवर्प। एंटवर्प फेमस है अपने डायमंड्स के लिए और यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी हैं। एंटवर्प अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर है ब्रसल्स के, जो कैपिटल है बेल्जियम की। एंटवर्प में हम रुके हैं सेंट्रल स्टेशन के पास, पार्क इन बाय रेडिसन, जो कि एक 3 स्टार होटल है, और पार्क इन रेडिसन के साथ में ही है रेडिसन ब्लू। पार्क इन होटल थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, पर बहुत ही वेल अपॉइंटेड होटल है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस होटल का है इसकी लोकेशन। लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है और आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। चेक इन करवा के मैं अपने रूम जल्दी से पहुँच गया, और जब मैंने रूम खोला तो मैं काफ़ी सरप्राइज था, काफ़ी बड़ा रूम था। यहाँ पे ये देखिए, इसमें बाथ टब भी है और काफ़ी स्पेशियस है बाथरूम यहाँ पे, और काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन भी है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये बाथरूम। आगे रूम देखिए, कितना स्पेशियस रूम है यहाँ पे। राइट में सारे कबर्ड है और फ्रिज भी है यहाँ पे। बेड भी काफ़ी बड़ा है, किंग साइज बेड है, और यहाँ पे मिनी कॉफ़ी मशीन भी है, कटलरी भी है इसमें विद ग्लासेस एंड कप्स। और ये है बड़ा टीवी अलोंग विद, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिरर भी है। अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से जो बाहर दिखता है, यहाँ से नज़ारे देखिए, कितना बड़ा ये जाइंट व्हील यहाँ से देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और राइट साइड में है रेडिसन ब्लू, जो इसका मेन होटल है। तो ओवरऑल रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रूम में सेटल होने के थोड़ी देर बाद मैं निकला डिनर करने, पर डिनर करने से पहले मेन चीज़ थी ये व्यू देखना इस जायंट फेरिस व्हील का। राइट साइड में ये सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है, जो काफ़ी बड़ा और पुराना है, और इसमें आपको ओल्ड टाइम्स का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। मैंने डिनर के लिए हवाइन पोक बोल्स चूज़ किया। ये सिमिलर टू चिपोटले है, यहाँ पे बोल्स मिलते हैं जो आप खुद ऑर्डर करके खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो, और आप रेस्टोरेंट में बैठ जाओ तो वहाँ पे उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और वापस अपने होटल की तरफ जाने लगा, बट रास्ते में इतने सारे रेस्टोरेंट्स थे और माहौल एकदम खुशनुमा था। नेक्स्ट डे हमारा ब्रेकफास्ट रेडिसन ब्लू में था, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और रेडिसन ब्लू में काफ़ी अच्छा था स्प्रेड ब्रेकफास्ट का, जो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। रेडिसन ब्लू से ये देखिए सामने सेंट्रल ट्रेन स्टेशन दिखता है, और लेफ्ट में हमारा पार्क इन होटल दिखता है। एंटवर्प में काफ़ी सारी घूमने की जगहें हैं। ये पहली है ग्रोट मार्केट, जो कि सिटी सेंटर है। उसके बाद है ये म्यूज़ियम और ये डायमंड इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक पोर्ट भी है और एक रिवर है जो यहाँ पे फ्लो करती है। एंटवर्प आके मैंने अपनी गाड़ी, जो कि एक रेंटल कार है, यहाँ पे पार्किंग में लगा दी थी। पार्किंग इसकी जो सेंट्रल स्टेशन है उसकी बेसमेंट में ही है, और ये काफ़ी बड़ी पब्लिक पार्किंग है, और यहाँ पे ओवरनाइट चार्ज अराउंड 25-30 यूरोज़ के बीच में आता है। और काम नपटा निपटा के मैं निकल पड़ा वापस डिजलडॉर्फ की तरफ। रास्ते में देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। एंटवर्प एक लेड बैक सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है रहने के लिए, और मैंने अपना टाइम इसमें यहाँ पे खूब इन्जॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट
वीडियो ऑन फ्रैंकफर्ट।